नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आज हम एक अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों का बुरा करते करते आपका खुद सत्यानाश हो जाए। मैंने ये टॉपिक इसलिए कहा कि आजकल लोग जो है दूसरों का बुरा करने के चक्कर में मारण क्रिया करवाने के लिए, जादू टोना करवाने के लिए, काला जादू करवाने के लिए लोगों के, बाबाओं के, आमिलों के, साधकों के, तांत्रिकों के पीछे भागते रहते हैं। आपको पता है तंत्र मंत्र में सबसे ज्यादा लूट मार किस लाइन में मची हुई है? मारण करने में और वशीकरण करने में। लाओ तुमको मोहिनी कर देते हैं, तुमको अपने वश में कर देते हैं, ना तुम्हारा ये काम करवा देते, तुम्हारी प्रेमिका तुम्हारे वश में हो जाएगी, तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे वश में हो जाएगा, तुम्हारे शत्रु का सत्यानाश कर देंगे, तुम्हारे शत्रु का सर्वनाश कर देंगे, को बर्बाद कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे, उसको जान से मार देंगे, उसको बिल्कुल पलंग पे डाल देंगे। तो इस तरह का झूठ बोल करके आजकल तंत्र मंत्र में बहुत ज्यादा लोग घुस रहे हैं और बेवकूफ बना के पैसा कमा रहे हैं। उसके बाद तीसरा एक लाइन आती है, उसको बोलते हैं सेटिंग लाइन। सेटिंग लाइन समझते हैं? सेटिंग लाइन मतलब टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, मतलब कछुए पे काम होता है, उल्लू पे काम होता है, सांप पे काम होता है, दो मुंह के, नोटों की बारिश करना, जमीन से खजाना निकालना। तो आजकल लोग शॉर्टकट मारने के चक्कर में इस लाइन को अपना रहे हैं और एक भटक रहे हैं। बेवजह कोई मतलब नहीं, बर्बाद हो गए, खाने को मोहताज है, घर में बच्चे उनके भूखे सो रहे हैं घर के अंदर, लेकिन वो लोग इस चक्कर में सिर्फ भाग रहे हैं। मिलने वाला कुछ नहीं, क्योंकि ये सब होता ही नहीं पहली बात। और मारण की जो बात आती ना, उस मालिक, उस परवरदिगार के बिना कोई किसी का एक पत्ता नहीं हिला सकता। मैंने अपने हर वीडियो में ये कहा है, मैंने वीडियो को बताने की कोशिश किया है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप इस तरह से करो और हो जाएगा। ऐसा होता ही नहीं पहली बात। क्यों? क्योंकि हर इंसान के काम जायज नहीं होते हैं, हर इंसान वाकई में परेशान नहीं होता। भूत प्रेत जादू टोना 95% नहीं होते हैं, 5% कहीं ना कहीं होते हैं। वो भी 5% जहां होते वो वहां का माहौल वातावरण बहुत अजीब हो जाएगा। और अभी जो हाल बना के रखे ना लोगों ने तंत्र मंत्र के नाम पे, कि लाओ वशीकरण कर देते हैं, मोहिनी कर देते हैं, आपको आकर्षण बना के देंगे, काजल बना के देंगे, इस चक्कर में लोग कितने बर्बाद हो गए मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मुझे कई कॉल ऐसे आते हैं, मैं भी चाहूँ तो पैसा कमाना, झूठ बोल के बहुत पैसा कमा सकता हूँ, लाओ वशीकरण करके देता हूँ, मारण कर देता हूँ, आपका ये काम कर देता हूँ, जमीन से खजाना निकाल देता हूँ, सेटिंग लाइन का। मैं ये काम पहले ही फोन पे, व्हाट्सएप पे पहले ही मना करता हूँ कि इस तरह के काम के लिए मुझे कॉल मत करना। मैं केवल वही बताता हूँ जो मेरे गुरु ने मुझे बताया था कि भाई किसी का भला हो सकता है तो करने की कोशिश करो, कोई रोजी रोटी से परेशान है तो उसके लिए दुआ और मंत्र के जरिए ठीक करने की कोशिश करो, किसी को भूत प्रेत वगैरह लग गया है तो देखो उसको, 95% तो भूत प्रेत होते नहीं है, सब साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड का खेल। तो इंसान की मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति कैसी है उसको समझना पड़ता है, हर चीज को जादू टोने का नाम नहीं दे सकते। तो मैं जो बता रहा हूँ इसके अंदर ये सब चीजें, फिर भी लोग क्या करते हैं, सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर भी वो लोग अपने मकसद के लिए कहीं ना कहीं कॉल करते हैं और अपने पैसे और अपना समय बर्बाद करते हैं। लास्ट में उनके हाथ में कुछ नहीं आएगा, नील बट्टे सन्नाटा, जीरो मिलेगा, फिर वो किसी दूसरे बाबा के चक्कर में, तीसरे बाबा के चक्कर में ऐसी पैसे बर्बाद करते हुए वो भटकते रहेंगे। काम तो होने वाला है नहीं, क्योंकि मालिक की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो कोई किसी का क्या कुछ उखाड़ लेगा, कोई किसी को कैसे मार देगा भाई? तो ये सब चीजें होती है और ये सब चीजों के बारे में लोग बहुत भटकते हैं। मैं समझाने की बहुत कोशिश करता हूँ मेरे वीडियो में कि मारण के लिए मुझे फोन मत करो, वशीकरण के लिए मुझे फोन मत करो, उल्टे सीधे कामों के लिए मुझे फोन मत करो, कोई रोजी रोटी के लिए परेशान है, बीमार है, पति पत्नी के लिए परेशान है, भूत प्रेत के लिए परेशान है, तो वो भी मैं देखता हूँ किसका करना है। मैं पैसा कमाने के लिए नहीं बैठा हूँ कि लाओ लाओ तेरा पैसा लाओ, तेरा पैसा लाओ, तेरा पैसा लाओ। आपको पता है वेबसाइट पर, इतनी बड़ी वेबसाइट मैंने बनाया, जल्दी कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदता उसके ऊपर से। क्यों? क्योंकि लोग झूठ के पीछे, पाखंड के पीछे, आडंबर के पीछे बहुत भागते हैं, सच्चाई के रास्ते पे कोई चलेगा नहीं। कि क्या वाकई में ये आदमी जो माला देगा वो पढ़कर देगा, क्या मंत्रों से उसको सिद्ध करके देगा, अभिमंत्रित करके देगा? तो लोग वो छोड़ो, जहाँ झूठ पाखंड चल रहा है, आडंबर चल रहा है, वहां से वो
लाखों रुपए की चीजें खरीद लेंगे, जबकि वो कुछ मतलब की नहीं होगी। आज लोग दरबार लगा के बैठे हैं, कमा रहे हैं, सब अपनी अपनी जगह पर खुश है भाई, सब अपनी अपनी जगह पर कमा रहे हैं। मैंने हमेशा अपनी वीडियो में कहा कि इन सब चक्करों में ना पड़े, ज्यादा बेहतर होगा। ये सब कामों के पीछे पड़ना बेकार है, भागना बेकार है तंत्र मंत्र के पीछे। काला जादू का मतलब क्या था मालूम है पहले आपको? पहले काला जादू का शब्द को समझिए ना, काला, काले जादू जिसे कहते थे ना, तो मंत्र के द्वारा जो काली शक्तियां होती थी उनको बुलाते थे। और जादू शब्द नहीं था पहले, जातू शब्द था, ये प्राचीन काल का शब्द था जातू। तो मेरे गुरु मुझसे कहते थे कि काली शक्ति को बुलाकर सामने वाले के पीछे भेजते थे, बोले इसके पीछे जातू यानी काला जादू। आज उसका शब्द पड़ गया काला जादू। तो पहले काला जातू था, काले जातू, काले को बुलाते थे काली शक्तियों को और उनको बोलते थे इसके पीछे जातू, तो काले जातू, तो अब काले जादू शब्द बन गया। उसी तरह से काला जादू, तो काला शक्तियां जो होती थी काली, तो आ काला जादू, तो काला जादू हो गया। तो ऐसे सब बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, लेकिन किसी का बुरा करने जाओगे तो एक बात हमेशा याद रखना, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपको भी लगेगी, आपका भी सर्वनाश हो जाएगा, बुरा होगा, नुकसान आपको भी होगा। किसी को वश में करने की कोशिश करोगे वो तो होगा नहीं, लेकिन फालतू में पैसे बर्बाद होगे, समय बर्बाद होगा, मानसिक परिस्थिति से अलग से गुजरना पड़ेगा और बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ेगा, पैसे बर्बाद हो जाएंगे, समय भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सोच समझ के काम करें, कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई बुरी शक्तियां आपको ही परेशान करना शुरू कर दे। क्या पता सामने वाला कोई ऐसा चीज करके दे जो उल्टा हो जाए, वो होता है सामने वाले के घर में ऑलरेडी पहले से प्रोटेक्शन हो, उसकी बंदिश हो, पलट के तुम्हारे पास आए तुमको लग जाए। बहुत चीजें हैं, देखना पड़ता है। तो इन सब चक्करों में पड़ना बेकार है, दूसरों का बुरा करने के चक्कर में आपका सत्यानाश हो जाएगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में देर है, अंधेर नहीं, वो कभी ना कभी पलट के मारता जरूर है, ऐसा मारेगा कि उठ नहीं पाओगे। इसलिए कभी किसी के बारे में, अब उसने अगर आपके ऊपर बुरा किया तो उसको उसके ऊपर ऊपर वाले के सारे छोड़ दो ना, आप कौन होते उसको सजा देने वाले? पीछे पड़ जाओगे मैं इसको सजा दूंगा दूंगा दूंगा, तो फिर आप में और उसमें कोई फर्क नहीं, वो भी करवा रहे हैं आप भी करवा रहे हो, दोनों सेम हुए, उसकी नजरों से दोनों सेम हुए। इसलिए सब फालतू काम मत करो, फालतू चक्करों में मत पड़ो बाबाओं के ज्यादा करके, और ये सब सब बुरा करना, मान करना, वशीकरण करना, सेटिंग लाइन के पीछे भागना बेकार है। अपने बीवी बच्चों से प्यार करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनका कहना मानो, उनके आदर्शों पर चलो, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। आपकी जन्नत आपके माँ बाप है, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी, आपका पूरा परिवार है। इनको छोड़ के आप फालतू कामों में भटकोगे, मिलने वाला कुछ नहीं है आपको, पैसे जाएंगे, समय अलग जाएगा। मैंने कोरोना काल में बहुत लोगों को भूख से मरते हुए देखा है, मुझे एहसास हुआ है इस बात का कि बहुत तकलीफों से लोग गुजरे हैं। तो ऐसे लोगों को बेवकूफ बना के उनका पैसा लूट के खाओगे, कब तक खाओगे? उसको जाके सामने भी तो जाके मुंह दिखाना है ना, तब क्या होगा? एक दिन वो आपसे पूछेगा जरूर, मेरा क्या, मैं तो हार्ट अटैक का मरीज हूँ, आज नहीं तो कल मर जाऊंगा। आप लोग को समझा समझा के 740 वीडियो बना चुका हूँ, मगर लोग समझते नहीं तो क्या करेंगे। जहाँ अच्छा लगता है वहां जाइए, जिसके पास अच्छा लगता है उसके पास अपना काम करवाइए, पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो मुझे व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज कर दीजिएगा कि बाबा हम यहाँ गए थे और बर्बाद हो गए। मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ, मैं कुछ मेरे गुरु के दिए हुए प्राचीन मंत्र मैंने बताए हैं, उन मंत्रों को अगर आप जप करें, खुद भी करेंगे ना घर में बैठ के, तो आपकी 50% तक परेशानियां खुद ब खुद कम हो जाएगी, बाकी 50% आपको अपने हाथ से करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100%, हाँ आपके मानसिक स्थिति को आप संतुलन में रखिए, कि आर्थिक शारीरिक और मानसिक स्थिति संतुलन में आ जाएगी, सब सही हो जाएगा। बाकी समझदार हो, हर चीज को जादू टोने का नाम मत दो, किसने कर दिया, उसने कर दिया, उसने कर दिया, ये सब सोच सोच के ही आप बीमार पड़ जाओगे। और आपका दिमाग ही आपको मजबूर कर देता है बाबाओं के पास जाने के लिए, तांत्रिकों के पास जाने के लिए, और आपको दूसरों का बुरा करने के लिए, दूसरों को वशीकरण करने के लिए, ऐसा कमाने की गलत राह में भी आप लोग भटक जाते हैं। मत करो ऐसा कोई काम, वो काम करो जो लोगों को अच्छा लगे, अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का दान पुण्य करो, उनके नाम से आप
काल पितृ दोष दूर करने के लिए पूजा करो, मांगलिक दोष पूजा करो, काल सर्प दोष पूजा करो, घर के बड़े बुजुर्गों के नाम पे नजर नहीं आ दो। तो ये सब बहुत चीजें हैं, इनका ध्यान रखो। आपकी परेशानियां वो लोग कहीं ना कहीं बैठ के देख रहे, काम कर देंगे, दूर कर देंगे। बाबाओं के पीछे भाग भाग के कोई मतलब नहीं है, मिलेगा कुछ नहीं। मेरे गुरु के दिए हुए कुछ मंत्र है, उसको याद करो, पढ़ो, समझो उसको। अगर वो आपके काम आता है तो उसका इस्तेमाल आप जरूर करो। पैसा कमाने के लिए मैं कई साधना ऐसी बेच सकता हूँ, बेचूंगा तो बहुत पैसे मिलेंगे, लेकिन जिन चीजों का सर नहीं पैर नहीं, वो चीजें मतलब नहीं ना। और वो चीजें करके भी आप क्या करोगे? दूधारी तलवार अपने पास रख के करोगे क्या? आप सोचो, मैं इतना जानकार होकर के आज मैं एक हार्ट की बीमारी से गुजर रहा हूँ कि ऑपरेशन कराने तक पैसे नहीं। तो ये सब चीजें नेगेटिविटी छोड़ती है बॉडी के ऊपर, तकलीफें छोड़ती है, परेशानी आपके आपके परिवार पे आएगी जब आप दूसरों की भला अपने ऊपर लोगे। तो बहुत कोशिश करिए, सही रास्ते पर चलिए, ज्यादा अच्छा होगा। कुछ चीजें ऐसी जो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, उसका इस्तेमाल करिए तो ताकि आप लोगों के लिए कुछ फायदा हो, आपके परिवार के लिए कुछ फायदा हो और दूसरों का भी भला हो साथ में। लेकिन जायज काम करिए, नाजायज कामों के पीछे ना जाए, पैसों के पीछे ना जाए, तो परिणाम बहुत बुरा होता है, भुगतना बहुत भारी पड़ता है। सिर्फ टॉपिक इतना ही था कि दूसरों का बुरा करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आप खुद का सत्यानाश हो जाए। तो कोशिश करिएगा, मारण के पीछे मत भागो, वशीकरण के पीछे मत भागो, सेटिंग लाइन के पीछे मत भागो। मेरा उद्देश्य केवल इन तीनों की तरफ आपका ध्यान लेके जाना था, बाकी आपकी मर्जी, आप खुद समझदार है। अगर आप लोगों को मेरी कोई बात बुरी लगती है तो मुझे माफ कर देना। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ऐसे रहस्यमय अमलियात टोने टोट के साथ नए वजीफे विधि विधान और चमत्कारी प्रयोग में आप लोग के सामने लाने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।